इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है सर जो मैं बताना चाहती हूँ कुछ ही देर में विक्रांत हमारे साथ जुड़ेंगे। 2007 और 2024 की जीत में 2007 में ओपनर गंभीर ने सबसे ज्यादा 75 रन बनाए थे और इस बार विराट कोहली ने 76 बनाए, 75 उस वक्त बनाए थे गौतम गंभीर ने। देखिए 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 बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। 2007 में पहले बैटिंग की और 5 रन से फाइनल हम जीते थे और इस बार 7 रन से जीते हैं, बहुत सारी मतलब बहुत कम मार्जिन से जीतने वाले, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं इनमें। और अब आपने देखा था कि जब वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ तो वर्ल्ड कप अनाउंस होने के बाद जब रोहित शर्मा ट्रॉफी लेने के लिए जा रहे थे तो वो एक खास अंदाज में पहुंचे थे ट्रॉफी तक, तो बाबरहॉस में पूरे इस मैच को इस सीरीज को कवर करने के बाद जब हमारे सहयोगी विक्रांत आज आ रहे हैं स्टूडियो में तो हमें लग रहा है वो आप भी उसी अंदाज में आने वाले हैं। वो विक्ट्री लैप तो कीजिए एक बार, दिखाइए जरा जल्दी से, दिखा दीजिए हमारे स्टूडियो को। विक्रांत आइए, उसी स्टाइल में आना है आपको। कंग्रेचुलेशंस बड़ी पाजी, बहुत मुबारकबाद आपको। तो देखिए आप जबरदस्त, मतलब क्या बताएं, अभी तो सुरूर उतर ही नहीं रहा है हम लोगों का। आपके लिए कैसा था पूरा एक्सपीरियंस? एंड आज जब हम देख रहे हैं, आपने देखा ये शॉट्स, जरा मरीन ड्राइव की तस्वीरें इनको दिखाइए, मतलब मुंबई सड़क पे। आपको मालूम है अंजना, जब फ्लाइट में थे हम लोग और मैंने भारत के खिलाड़ियों को कभी इतना रिलैक्स नहीं देखा, मतलब 2007 में जब जीत के आए थे वो एक बोनस था, मतलब अचानक से हो गया और बड़ा सेलिब्रेट किया गया। ये जीत ऐसी थी कि यार शुक्र है हो गया, मतलब खिलाड़ियों ने कोई जश्न नहीं मनाया, आराम से नॉर्मल जैसे मैं और आप। और मैंने कहा यार ये होता है दबाव, दो तीन दिन उनको मिल गए वहां पर उस दबाव को मिटाने के लिए, उस थकान को मिटाने के लिए। लेकिन जहाज में ना किसी ने ये सोचा नहीं था आज जो हो, सबको लग रहा था कि आज सुबह आएंगे प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे, वहां पर वानखेड़े स्टेडियम जाएंगे, लोग आएंगे और बस रात को वापस चले जाएंगे। मैं अभी आपको शो देख रहा था, ये आज रात वापस नहीं जाने वाले, ये नहीं जाने वाले। मैं ये भी सोच रही थी कि हम लोग लगातार ये दो तीन घंटे की कवरेज करें ना करें, ऐसा वहां पर मूड आपको 6 घंटे के लिए करना पड़ेगा। ये आप हालत देखिए, ये पूरी मुंबई बाहर सड़क पे स्टेडियम दिखाइए भाई एक बार, स्टेडियम खचा खच भरा हुआ है, मतलब दिन से लोग वहां पे हैं और मैच देखने से भी ज्यादा। ये देखिए स्टेडियम, एक बार सुनाइए पूरा, आप साउंड कीजिए जरा, सुनाइए ये देखिए। मदन जी को याद होगा जब इनकी टीम जीत कर आई थी 1983, अच्छा उस दिन भी मुंबई में बरसात थी। हाँ। जब आप 2007 में जीत कर आए उस दिन भी मुंबई में बरसात, 5 रन से जीते थे, इस बार 7 रन से जीते। और आज भी तब गंभीर ने जून का महीना भी जून का 76 रन बनाए कोहली ने, सही बात है। अभी हम लोग वही बात कर रहे थे कि बड़े ईरी सिमिलैरिटीज हैं दोनों में। और मुंबई तो वैसे भी आपके क्रिकेट की कैपिटल रही है ना, ये अलग बात है कि आज पिछले 25 साल में शायद क्रिकेट डिसेंट्रलाइजेशन हुई, छोटे शहरों से खिलाड़ी देख रहे हैं पहुंच गए, मुझे लगता है एक एक करके। और राजीव शुक्ला, विक्रांत अगर आप बताते जाएं कि करके पूछ ही नहीं, जय शाह का तो देखिए इन्होंने तो प्रेडिक्ट किया था, अब तो सब इनके पास अपनी अपनी कुंडली लेकर जा रहे थे, अपना हाथ लेकर जा रहे थे। तो मैंने कहा ये भी बता दीजिए कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे अप्रेजल्स आने वाले हैं, तो मतलब अब आप जो भविष्यवाणी करते हैं बड़ी सटीक होती है। लेकिन देखिए तैयारी कहां से होती है, आपने वो सूर्य कुमार यादव का मैंने इंटरव्यू किया, उसके बाद कई खिलाड़ियों से बात हुई अंजना, उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी दरअसल T20 की उस दिन शुरू हो गई थी जब हम एडिलेड में हारे थे 1.5 साल पहले, कि उस दिन हमें यह पता चल गया कि जिस तरह की T20 हम खेलते हैं वो चलेगी नहीं। फिर असली झटका इनको लगा जब 19 नवंबर वर्ल्ड कप फाइनल आ रहे, उन्होंने कहा कि हमें लगा कि बस हमने ग्राउंड में जाना है और ट्रॉफी हमें मिल जानी है। आई थिंक वो दो ऐसे हार्ट ब्रेक्स हुए जिसने एक तरह से नींव, अब देखिए हार्दिक पांड्या अंजना, हर खिलाड़ी की अलग कहानी, हार्दिक पांड्या आज जब हार्दिक पांड्या वानखेड़े स्टेडियम में एंटर होंगे, अगर आज जब वो एंटर होंगे जो उनको मतलब इस्तकबाल होगा, जो चीयर किया जाएगा, 2 महीने पहले इसी वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के फैंस हार्दिक पांड्या को बू कर रहे थे, मुझे याद है। और मुझे लगता है कि इतना ज्यादा संघर्ष हम लोग इसी उनके कॉन्टेक्स्ट में, मैं अलग से मतलब 10 मिनट तक बोल सकती हूँ, तो जब एक प्लेयर को जिस तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है जस्ट बिकॉज अ सर्टेन डिसीजन वाज टेकन, कैप्टेंसी किसी और को दी जाती है, उसकी वजह से उसमें उनका कोई कसूर नहीं था, कोई कसूर नहीं था और उनकी परफॉर्मेंस भी गिरी। हम जब वापस आ रहे थे तो असर होता है, उन्होंने कहा, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि लोग समझ नहीं सकते 6 महीने मेरे लिए कैसे गुजरे, उन्होंने कहा मैं हंसता था लेकिन लोग सोचते थे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहते मैं वापस जाता था मैं रोता भी था। उन्होंने कहा कि एक ऐसी हालात, एक ऐसी स्थिति आ गई जहां पर आखिरी ओवर
अब आखिरी ओवर में उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हम डरते हैं कि यार अगर 16 रन दे दिए तो क्या होगा। कहते मैंने ये सोचा यार हीरो बनने का भी तो वक्त है, हीरो बनने का भी वक्त है। तो उस लिहाज से अब यहाँ पर हार्दिक पांड्या है, फिर बुमराह है, रोहित शर्मा, विराट कोहली है। अब मुझे लगता है कि रोहित और विराट की जो जोड़ी थी अंजना, कहीं ना मतलब वो उस ड्रेसिंग रूम को, उस डीएनए को इंस्टिल करने के लिए जरूरी थी। विराट के रन्स नहीं आए, विराट ने सिर्फ एक पारी। पागलपन का मुझे लगता है कि ये कुछ स्पेशल ये लोग हैं जो एयरपोर्ट में आसपास पहुंच गए हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी क्रिकेट मैदान में हूँ, वहां पर अभी इंडिया इंडिया के नारे भी शुरू हो जाएंगे। तो मैं विराट की बात कर रहा था, विराट और रोहित। अंजना क्या है हमारे यहाँ पे ना सोशल मीडिया में एक दरार आ गई, एक विराटियन है एक रोहितियन है, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। बट दोनों विराट के रन्स नहीं आ रहे थे जब, तो विराट ने ये नहीं सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, जो ये मेरे से चाह रहे हैं ना मैं अलग अंदाज में बैटिंग करता हूँ। वो फाइनल छोड़ दीजिए, उससे पहले मैच में भी वो उसी तरह से बैटिंग कर रहे थे जिस तरह से टीम उनको चाहती थी। इसका मतलब कि मैं आपके हिसाब से खेलूंगा, मेरे रन आए ना आए वो अलग बात है। तो मुझे लगता है कि वो डीएनए वो भी था, और फाइनल में जब जरूरत थी तो विराट ने रन बना दिए। एक दूसरे की कामयाबी जज के बाद, देखिए आप विराट के हाथ में ट्रॉफी थी, उन्होंने रोहित को जाकर कहा कि यार तू भी ले ले थोड़ी देर, तू भी आगे चल ले। तो मतलब मैंने तो इस टीम को शायद बड़ी क्रिकेट कवर की। सामने से रोहित शर्मा आ रहे विक्रांत, मतलब थक गए, शेर आया थक गए होंगे। लेकिन 2007 में टीम मेंबर के तौर पर वो एंट्री मार रहे थे और अब 2024 में लीडर ऑफ द टीम, ये कप्तानी पारी उनकी और ऐसी जीत जो कि हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा, और खास तौर पर वो स्वागत जो मुंबई वाले आज करने को तैयार हैं। बात हार्दिक पांड्या की हो रही थी, देखिए हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी जिसको इसी वानखेड़े स्टेडियम में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनको कुछ शब्द बोलकर उनको बू किया जाता था, लेकिन वो लगे रहे, डटे रहे। और इसीलिए कहा जाता है कि जो खेल और खिलाड़ी का जज्बा होता है वो आपको सिखाता है कि क्या करना है। रोहित शर्मा से लेकर ये पूरी टीम, ये वो पौलादी टीम, हार्दिक पांड्या, तमाम क्रिकेटर्स एक के बाद एक, और बस यहाँ का माहौल देखिए, लोग पागल हो जा रहे हैं और कब से घंटों ये इंतजार कर रहे थे कि बस एक झलक उनको देखने को मिले टीम इंडिया की, और आखिरकार वो पल आ चुका है। जैसे ही एक के बाद एक टीम इंडिया यहाँ पर जो है कैसे बाहर निकलते हुए, और तस्वीरों में देखे कैसे लोग यहाँ पर चीयर करते हुए, और क्यों ना हो क्या माहौल है यहाँ पे, इलेक्ट्रिफाइड सिचुएशन, जैसा कि आपको स्टेडियम में हो वैसा माहौल यहाँ पे, और प्लेयर्स भी लोगों को स्वागत करते हुए और लोगों को हाथ दिखाते हुए परिवार के साथ जो टीम इंडिया है वो एक के बाद एक बाहर निकल रही है, और घंटों लोगों ने इंतजार किया है इस मूवमेंट का, इस पल का, और आखिरकार टीम इंडिया यहाँ पर आ चुकी है, और क्या माहौल है। लगभग कई घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार टीम इंडिया यहाँ पर, और देखिए एक के बाद एक सभी प्लेयर्स यहाँ पर बाहर निकलते हुए, ऋषभ पंत को इस वक्त मैंने देखा, और तमाम प्लेयर्स देखे बाहर निकलते हुए, और यहाँ से जो टीम इंडिया है वो इस बस में सवार होगी, और बस में सवार होने के बाद ये देखे यहाँ पर जो टीम है वो इस बस में सवार होके आगे एनसीपी की तरफ जाएगी, वानखेड़े की तरफ जाएगी, और वहां पर जो है 1 किलोमीटर लंबा रोड शो है, लेकिन इतनी जबरदस्त भीड़ है यहां पर, किस तरीके से टीम यहां से बाहर जाएगी, देखिए यही वो है जिसके अंदर जो है टीम इंडिया बैठेगी, और जबरदस्त माहौल, पैर रखने तक ऐसा माहौल यहां पर है, और टीम इंडिया का स्वागत करते हुए यहां पर लोग घंटों इंतजार कर रहे थे, और जबरदस्त माहौल, और क्यों ना हो जिस तरीके से वर्ल्ड कप जीता है, एक भी मैच टीम इंडिया हारी नहीं, और जो फाइनल का मैच था, और फाइनल का मैच जबरदस्त थ्रिलर था। देखिए खिलाड़ियों ने भी जो है बसेस के पर्दे खोल चुके हैं, और वो लोगों का स्वागत, और यहाँ पर हाथ हिलाते हुए देखिए कैसे लोगों ने उनका स्वागत किया है। देखिए जो प्लेयर्स है वो पहली बस में बैठ चुके हैं, यहाँ पर तस्वीरों में आप देखें कि जबरदस्त माहौल और जबरदस्त स्वागत टीम इंडिया का मुंबई में होता हुआ। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ सौरभ, मुंबई आज तक। पोर्टर ने भी सही टाइम पर छक्का मार दिया है, वो उसी वक्त पर मौजूद थे। ढाई घंटे लेट चल रही है टीम इस वक्त, ढाई घंटे लेट है लेकिन अब आराम से बैठ जाइए, अब समझ मतलब वो अब शेड्यूल हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो वाली बात है, शेड्यूल हैज गॉन आउट ऑफ द स्टेडियम, मैं तो कहूंगी आउट ऑफ द स्टेडियम। और देखिए आप ऋषभ पंत की बात हो रही थी विक्रांत, ऐसा लगता है कि कल की बात है जब 2022 में अचानक खबर आई, जब पूरा देश न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा था, तो कैसे ये हाईवे पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, एक प्लेयर कैसे कमबैक करता है, ईच प्लेयर इन दिस टीम, मतलब एक कहानी है भाई।
एक एक जज्बे की ऐसी कहानी है कि आपको पूरी जिंदगी जीना सिखा दे। और यहाँ से शायद क्रिकेट देखने का नजरिया भी बदलेगा। हाँ। क्योंकि पाजी तो खुद गेंदबाज है मदन जी, हकीकत यह है कि बल्लेबाज हमेशा स्टार्स होते हैं क्योंकि वो चौके मारते हैं, छक्के मारते हैं, बल्लेबाज आपको मैच जिताते हैं, हम सब जानते हैं। और ये कहा जाता है यार देखो टूर्नामेंट जीतना है ना तो गेंदबाज चाहिए। 83 में गेंदबाजों ने जिताया था, 2011 में गेंदबाजों ने जिताया, 7 में भी उठाए भारत के गेंदबाजों ने 140 150 डिफेंड किए। आज आप गेंदबाजी की बात करें, जसप्रीत बुमराह, अब सामने वाले क्या कहते हैं मजाक में, यार ये तो बड़ा अनफेयर है यार, ये क्या बात हुई, इंडिया के साथ नहीं खेल सकते, देखो इनको 20 ओवर बैटिंग करने को मिलते हैं और ये बुमराह के चार निकाल दो हमारे तो 16 रह जाते हैं। सो बुमराह के चार ओवर तो टेरर है ना। अर्शदीप सिंह 17 विकेट हैं उनकी, 17 विकेट्स। आप फाइनल की बात करते हैं, यही तो डिसाइड नहीं कर पा रही ना जनता, आजकल ड्राइंग रूम में बैठ के लड़ रही है, सड़कों पे लड़ रही है कि अर्शदीप या फिर सूर्य का वो कैच या फिर कोहली की पारी, किसकी वजह से हर प्लेयर ने, मतलब ये तो पाजी ने दिल की बात कर देता सी, अभी कह रहे हैं कि काश मैं अभी खेल रहा होता, ये प्यार देखो, ये पैसे देखो, पर पाजी जो आप खेले और जो आप जीते, अगर वो 25 जून 1983 ना होता तो आज ये 29 जून 2024 भी नहीं होता। नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है, वो नहीं होता, बट डेफिनेटली जब जीत होती है तो आपकी ग्रोथ भी तो होती है ना साथ बिल्कुल में। क्योंकि जब बाकी जो खिलाड़ी जब 83 के बाद आया उनका एक ही मोटिवेशन था कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है। बिल्कुल सचिन आया चाहे राहुल द्रविड़, जितने बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं उन्होंने, उनका ये गोल था कि हमने ये जीतना है। पर ये जो मैंने अभी आपसे बात जो की थी कि हमारा जो वर्ल्ड कप जीता गया ये बॉलर की वजह से जीता गया। हाँ, मैंने अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने अभी बॉलिंग में जिस तरह से मतलब 30 गेंद में 30 रन। हाँ, वो कहते थे ना नहीं नहीं एक आप ही से पहले बात होती थी कभी कभी जब मैं क्रिकेट का शो करती थी तो विक्रांत कहते थे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि सब बैटिंग करना चाहते हैं, गली में भी निकलो तो सब बैटिंग करना चाहते हैं, लेकिन अब तो कपिल देव कहते हैं ना कि इंडिया में व्हाइट कॉलर है बैट्समैन और ब्लू कॉलर यानी कि जो मजदूरी का काम है वो गेंदबाज का, गेंदबाजों ने जिताया। अच्छा आप फाइनल की बात करते, 30 गेंद में 30 रन, 6 विकेट हाथ में, मैं आंख बंद करके साउथ अफ्रीका जीतता, 26 गेंद में 24 रन, आंख बंद करके जीतता, वहां से हम जीत गए। उससे पिछला आप सेमीफाइनल, चलो सेमीफाइनल तो भारत ने रन बना दिए थे, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच वो भी एक वक्त लगा कि निकल गया, गेंदबाजों ने जिताया, फिर पाकिस्तान का मैच 119 रन बने हैं, बताओ यार क्या यार, वो मैच भी इंडिया ने गेंदबाजों ने जिताया, क्या बात। सो कप्तानी को भी आप तारीफ दीजिए, बिकॉज रोहित शर्मा, देखिए अंजना बहुत कप्तान आते हैं और रोहित शर्मा को तो अभी बाय डिफॉल्ट ही कप्तानी मिली थी ना 2 साल पहले। आज जो इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा पोस्टर है उसमें 3 चेहरे हैं, कपिल देव, MS धोनी, रोहित शर्मा, इससे बड़ी बात क्या हो। बहुत बड़ी बात नहीं, देखिए उनको बहुत जो देखिए विक्रांत, उसने जो डिसीजन लिया है, पहला उसने मोहम्मद सिराज को हटा के उन्होंने कुलदीप यादव को खिलाया शुरू किया, बिग डिसीजन, और दूसरा की पिचेस में और लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू विराट कोहली, भाई ये ऐसे खेलना, ऐसे खेलते चले जाओ जैसे आप, और विराट ने रिस्पॉन्ड किया, विराट ने रिस्पॉन्ड किया और विराट के फाइनल से पहले 75 रन थे, इतने बड़े प्लेयर के साथ। पाजी बताएंगे नहीं बताएंगे कि एक समय में बड़ी चर्चा होती थी सर कि प्लेयर्स में ना बड़ी ईगो की लड़ाइयां होती हैं, इस मतलब इस जनरेशन में मुझे लगता है कि उसको ओवरकम किया है इन्होंने कुछ हद तक, ऐसा लगता है टीम ने तो किया है, इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली कदम से कदम मिलाकर चले, में भी उनको ऐसा नहीं लगता कि विक्ट्री लैप ले रहे हैं तो मैं अकेला ही सिर्फ ऐसे पढ़ के चलूं। एक एक चेंज जो आया है ना अभी इसमें, इस टीम में जो ईगो की बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं है, ईगो नहीं होती, परफॉर्मेंस होती है। हाँ। जब आप परफॉर्म करते हैं ना, अभी इसने परफॉर्म किया, हाँ। मैंने भी परफॉर्म करना है, वो ईगो अलग है, वो अलग ईगो है, ईगो अलग है, हेल्दी कंपटीशन जो होती है अंदर वो बहुत जरूरी है। आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी स्टेटमेंट मतलब जो मुझे दिखी वो जब इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जीत गया, विराट कोहली जब गए मैन ऑफ द मैच लेने, उन्होंने कहा क्रिकेट इज हम्बलिंग, उन्होंने कहा यार मैं इतना बड़ा, मेरे रन नहीं बने, क्रिकेट ने मुझे सिखा दिया कि तू जो मर्जी हो, रन नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, बट देन विराट जब आपके रन नहीं बन रहे होते ना, उस वक्त अपने आप को कहना कोई बात नहीं, मैं अपनी ईगो को मार देता हूं, मैं नहीं मारूंगा भाई शॉट, कोई बात नहीं, आज मेरी टीम को अलग तरह की बैटिंग की जरूरत है। He was saving the best for the last. He was saving the best for the last, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी अपनी जिंदगी की बेहतरीन, और जब आप रिटायरमेंट कर रहे हैं उसमें अगर आप आखिरी मैच में इंडिया जिसमें वर्ल्ड कप विनर बन रहा है आप ऐसी जबरदस्त 76 रनों की पारी खेल दे, आज जब हम सुना रहे हैं अक्षरों में सब लिखा जाए, आप जब आज उस प्लेन में थे, अच्छा मैं उस जहाज का एक्सपीरियंस बताऊं, आसमान में तिरंगा लहराता है भारत का तो फिर शान हर भारतीय महसूस करता है अपने अंदर, और ये और फिर हर गर्व हर खिलाड़ी पर। जी ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो डोमेस्टिक है,
तो हम जिस फ्लाइट में आए हैं वो भी एयर इंडिया थी, और आपको पता उसका कॉलिंग कोड क्या था उस फ्लाइट का, जो क्योंकि ये कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी, ये निवॉक दिल्ली वाली फ्लाइट थी, उसको डाइवर्ट किया गया और इसको चार्टर बना दिया गया। तो हर फ्लाइट का एक कोड होता है जब आपको उड़ना है। इस फ्लाइट का कोड था AIC, AI इज फॉर एयर इंडिया, C इज फॉर चैंपियंस, AIC2024WC। तो उसका जो कॉलिंग जो ये 16.5 घंटे जब जहाज एयर टिकट को हमेशा के लिए रखिएगा, मेरे पास बोर्डिंग कार्ड है, वो टिकट एक सोवेनियर हो जाएगा। मेरे पास बोर्डिंग कार्ड है जी, सिग्नेचर करवाया, ऑटोग्राफ करवाया मैंने। AIC2024WC मतलब एयर इंडिया चैंपियंस 2024 वर्ल्ड कप, तो मतलब वो था। तो उसमें जहाज में क्या और हुआ, क्या ये एयरपोर्ट पे जो बड़ा बोर्ड में जो लिखा आता है उसमें भी यही नंबर लिखा रहा था, या स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट करी थी? हाँ, नहीं, उसका उसपे तो एयरपोर्ट वाले तो ये कह रहे थे इतना बड़ा जहाज हमने पहली बार देखा है बारबाडोस। अच्छा, वो बड़ा दिलचस्प किस्सा है, भारत जीत गया, सैटरडे हम जीत गए, अब संडे का दिन रिजर्व डे था, लेकिन संडे के दिन की जरूरत नहीं थी, बट ICC की कुछ एंगेजमेंट्स थी। ICC वालों को जैसे ही पता चला कि भाई ये हरिकेन आ रहा है रात को, ICC वाले अपनी फ्लाइट लेके भाग गए। तो जो एक फोटो आप होता है कप्तान का, वो BCCI नहीं किया, साउथ अफ्रीका भी चली गई थी, साउथ अफ्रीका नहीं, वो वहीं थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, पता चला जी हरिकेन आ रहा है, वो एयरपोर्ट हो गया बंद। अब एयरपोर्ट कब खुलेगा पता नहीं, फ्लाइट कब आएगी पता नहीं, हमारी फ्लाइट भी वाया न्यूयॉर्क थी। तो बोर्ड सेक्रेटरी थे जयशाह, तो हमने उनको कहा कि ऐसा है कि आप टीम तो जा ही रही है आपकी चार्टर्ड में, भाई हमें भी ले चलो। उन्होंने 2 मिनट लगाए अंजना, उन्होंने कहा जितने लोग हैं इंडियंस आप सबको लेकर आइए। अच्छा, फ्लाइट थके हुए, प्लेस बहुत थके हुए थे, रिलैक्स किया उन्होंने 2-3 दिन, तो फ्लाइट में बैठे थोड़ी थोड़ी देर बाद। अच्छा, हमें था कि यार देखो प्लेयर्स को प्राइवेसी दी जाए, क्योंकि ये आगे हैं, परिवार हैं उनके, उन्होंने सेलिब्रेट भी करना है, और प्लेयर्स खुद पर खुद आते थे, कभी विराट कोहली आ गए, कभी रोहित शर्मा आ गए, कभी हार्दिक पांड्या आ गए, तस्वीरें खिंचा रही हैं। सो मच सो कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो थी वो टीम ने, रोहित शर्मा ने ये डिसाइड किया कि जितने मीडिया के लोग थे आप सब इस ट्रॉफी को पकड़ के अपनी अपनी तस्वीर खिंचाएं। मतलब एक से बढ़कर एक जेस्चर, और यूजी चहल जब हम लैंड होने वाले थे तो उनको मैंने कहा अरे यूजी चहल वर्ल्ड चैंपियन, उन्होंने कहा नहीं भैया आप गलत बोल रहे हो, वर्ल्ड चैंपियन मैं नहीं हूं, हम 15 नहीं है, आप भी हो और 140 करोड़ इंडियंस है। सो ये सेंटिमेंट था कि ये 15 खिलाड़ी थोड़ी है वर्ल्ड चैंपियन, हमारा बुल्क है। दूसरी बात, ये कॉन्ट्रेरी टू जो लोग सोचते हैं कि इंडिया क्रिकेट चलाता है, दुनिया जो है वो हमारे कदमों, ऐसा नहीं है, इंडिया क्रिकेट चलाता है, लेकिन जितने गैर मुल्क हैं हर कोई ये चाहता था इंडिया हारे। हम लोग प्रेस बॉक्स में, क्योंकि सबको लगता है यार इंडिया का ये इंडिया, अब आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, फाइनल में इंडिया के पास ही आउट होने शुरू हुए तो विदेश के, मतलब तकरीबन हर मुल्क के जो जर्नलिस्ट हैं वो हंस रहे हैं, और जब इंडिया जीता है, जब इंडिया जीता है सबकी सिट्टी पिट्टी को, मतलब अंदर ही अंदर से हर कोई ये चाहता है कि यार इंडिया हार जाए, बाकी जो मर्जी। नहीं, देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश जो जितनी भी कंट्रियां थी ये तो प्रे कर रही थी कि, मैं तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हो सकता है उनके मीडिया की भी बात, उनके मीडिया वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और अंजना आपको मैं एक बात बताऊं, आज ठीक है बड़े लंबे इंतजार के बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, और ये नहीं कि यहाँ पे बैठ के हमने बोल दिया तो हो जाएगा, सुनील गावस्कर साहब ने बोला कि इंडियन क्रिकेट नर्वस 90s का शिकार हो रही, 92 पे आउट हो जाना, 94 पे आउट हो जाना, 99 पे आउट हो जाना, 100 नहीं होना। और उन्होंने कहा एक दिन 100 हो गया ना, मतलब एक दिन कप जीत लिया, अब रोक नहीं पाएगा। आज आप लिख लीजिए, अभी आप वर्ल्ड T20 जीत कर आए हैं, फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी होगा 50 ओवर का, इंडिया वो भी जीतेगा, हो ना हो अगले साल जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी इंडिया जीते, बिकॉज ये जो आखिरी टेप था ना, उस आखिरी लकीर को, लाइन को क्रॉस करना, एक मोमेंटम आ गया, सेल्फ डाउट होते थे, बिल्कुल, लेकिन आज आपने वो जब क्रॉस ही कर दिया तो भाई आप जो यंगस्टर्स को बेटन आगे देकर जा रहे हैं वो भी कमाल के हैं।